स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल मार्केट कमांडोज में। और आज के इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे वेदांता स्टॉक के बारे में। आज नियर अराउंड 2% की गिरावट दिखी और आज इसके Q3 रिजल्ट आते हुए दिखे हैं। एक्सपेक्टेशन क्या दिख रहा था कि -70% के नेट प्रॉफिट दिख सकते हैं, लेकिन देखेंगे तो कंपनी ने एक्सपेक्टेशन को बीट करा। यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ आप पाएंगे कि जो एक्सपेक्टेड नंबर थे ये तो एक्चुअल नंबर आपको दिख रहा है, जहाँ प्रॉफिट जो है 42% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डाउन ट्रेंड दिखा और इसके साथ रेवेन्यू अप ट्रेंड और इबिटा मार्जिन डाउन ट्रेंड दिखा। लेकिन जो एक्सपेक्टेड नंबर थे सीएनबीसी टीवी के द्वारा और 70% तक के डाउन ट्रेंड दिख रहे थे, उसको कंपनी ने बीट करा। यहाँ देखेंगे, सॉरी ये बजाज का है, इसमें ही मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ देखेंगे कि रिजल्ट किस प्रकार से जो एक्सपेक्टेशन थे उसको बीट करते हुए दिखा है। यहाँ आप देखेंगे कि जो इसके एक्सपेक्टेशन थे उसको बीट करा है, शायद अभी हटा दिया गया है। यहीं पे हमने देखा था कि -70% के डाउन ट्रेंड एक्सपेक्ट करे गए थे, लेकिन जो डाउन ट्रेंड रहा है वो ओनली 42% रहा है। और ओवरऑल जो रिजल्ट रहा है वो देखे तो बेहतर रिजल्ट ही देखने को मिला है। और इसके साथ ही कंपनी ने, यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो कंपनी ने अप्रूव करा है 91 मेगावाट का हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी और 600 मेगावाट का सोलर पावर एनर्जी अप्रूव्ड करा है। और इसके साथ ही देखेंगे तो कंपनी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर करा है और डिविडेंड कितना डिक्लेयर करा है, 12 रुपीज 50 पैसा, जो देखिए तो 12.50% डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है। और इसके रिकॉर्ड डेट क्या है, यानी एक्स डेट अगर इसके डिलीवरी सॉरी डिविडेंड के देखें तो वो 3 फरवरी है। यानी अगर आप 3 फरवरी से पहले इस स्टॉक को होल्ड करते हैं तो आप एलिजिबल होंगे 12.5 रुपीज पर शेयर के लिए। और टेक्निकली थोड़ा एक वीकनेस तो दिख रहा था, जो हमने कहा कि रिजल्ट थोड़ा वीक हो तो उसका टेक्निकल वीकनेस आप खुद पता कर सकते हैं। और यहाँ देखेंगे कि पिछले 1 वीक से स्टॉक थोड़ा बहुत करेक्शन मोड में दिख रहा था, जिसके बाद ये गिरावट दिखा है। और इसके साथ ही यहाँ देखेंगे तो डिलीवरी कंपनी में ठीक ठाक अभी भी दिख रहा है 40% तक का, लेकिन मैं आपको टेक्निकली दिखाऊं तो यहाँ इजिली आप क्या पाएंगे कि स्टॉक एक 1 ट्रेंड चैनल में ट्रेड होते हुए दिख रहा था। यहाँ हमने क्या देखा कि एक कंटिन्यूअस ये जो चैनल है हायर हाई हायर लो के चैनल को फॉलो कर रहा था, यहाँ से रिजेक्शन दिखा। तो चूंकि 12 रुपीज के आसपास का जो प्राइस डिविडेंड है वो भी प्राइस में ही एडजस्ट होते हुए दिखेगा, तो मेरा मानना है कि समय थोड़ा वेट करेंगे और फ्रेश बाइंग अगर आप करना चाहते हैं तो 300 के आसपास, यहाँ देखेंगे जो 300 के आसपास का 20 DMA है इसके आसपास ही बाइंग करेंगे, तब तक के लिए इग्नोर करें। और जब तक अपर साइड ये स्टॉक 334 के ऊपर के ब्रेकआउट नहीं करता है तब तक ट्रेंड कंटिन्यू नहीं दिखेगा। ये जो डाउन ट्रेंड आएगा तो वो बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी होगी, इस समय थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे। थैंक यू, आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।